नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ 17 मार्च को करेंगे बैठक। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मार्च को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना के खिलाफ अब तक की लड़ाई और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक भी लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लेंगे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 19 और 20 मार्च को राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। अगले 2-3 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। झारखंड में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण, बेरोजगारों को भत्ता, सीएम ने सदन में की घोषणा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई। बता दें, इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कई बड़ी घोषणा की। इस दौरान बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि के अलावा निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नियोजन, दिव्यांग और विधवा को भत्ता समेत सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान राशि देने की बातें कही गई। बता दें, 4 दिन बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सोमवार को फिर शुरू हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं, दिव्यांग और विधवा के लिए कई सौगात दी। झारखंड में मछली पालन से मिल रहा रोजगार। झारखंड के प्रगतिशील किसान मछली पालन में उत्कृष्ट कार्य कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बता दें, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निजी एवं सरकारी तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि महिला, पुरुष और मछली उत्पादक समूह इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। मछली उत्पाद में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अब राज्य सरकार ने झारखंड को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,65,000 मीट्रिक टन मछली उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड विधानसभा में खूंटी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने खूंटी नर्सिंग कॉलेज प्रकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, भाजपा के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। इतना ही नहीं, इन विधायकों द्वारा इस मामले के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राजधानी में क्राइम पर लगेगा लगाम। राजधानी में क्राइम कंट्रोल के लिए बाइक से गश्ती लगाने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की है। बता दें, एसएसपी ने थानेदारों से कहा है कि अपराध की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर मोटरसाइकिल गश्ती के लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। एसएसपी ने थानेदारों से कहा कि छिनताई की अधिकतर घटनाएं दोपहर या शाम में होती है, इस अवधि में संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग हो। कोरोना टीका लगवाने में रांची अव्वल, कोडरमा काफी पीछे। झारखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार की शाम जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना के वैक्सीन लगाने के मामले में रांची जिला की स्थिति राज्य में सबसे बेहतर है। बता दें, रांची के कुल 60,163 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में दूसरे नंबर पर है, जबकि एक दिन पहले तक दूसरे पायदान पर धनबाद जिला था। बता दें, रविवार की शाम तक पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल 36,343 लोगों ने वैक्सीन लिया है। वैक्सीन लेने के मामले में राज्य में सबसे खराब स्थिति कोडरमा जिला की है, यहाँ सिर्फ 6,957 लोगों ने वैक्सीन लिया है। झारखंड में स्कूल खुलने के बाद सिर्फ 38% बच्चे आ रहे स्कूल। राज्य में स्कूल खुलने के 2 माह बाद भी कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति सामान्य नहीं हुई है। बता दें, राज्य में फिलहाल 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही है। मालूम हो, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू हुई है, वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षाएं 1 मार्च से चल रही है। विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में कुल 10,73,549 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन इसमें से औसतन 4,57,37 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। इस तरह लॉकडाउन के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति लगभग 38% है। झारखंड में बढ़ने लगी संक्रमित मरीजों की संख्या। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। बता दें, फरवरी तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या जहां घट रही थी, वहीं मार्च में इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है।
आंकड़ों की बात करें तो 28 फरवरी तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 494 हो गई थी, जो कि मार्च के महज 14 दिनों में 548 पहुंच चुकी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ राज्य में मरीजों के साप्ताहिक डबलिंग रेट का प्रतिशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड में 67 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 48, पूर्वी सिंहभूम से 11, धनबाद से 1, बोकारो 3, देवघर 1, गढ़वा 1, साहेबगंज 1, दुमका से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1093 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 556 है। भारत में 24,437 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,58,892 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 2,20,401 है। मोटरयान निरीक्षकों की बहाली शीघ्र। झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र में सोमवार को अल्पसूचित प्रश्न के दौरान चाईबासा के झामुमो विधायक दीपक बिरुआ ने राज्य में मोटरयान निरीक्षकों की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2016 में मोटरयान निरीक्षकों के 18 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो सकी। बता दें, प्रदेश में 10 MBI हैं, जिसमें केवल 2 अस्थायी और शेष संविदा पर कार्यरत हैं। परिणाम घोषणा होने के 4 साल बाद भी सफल अभ्यर्थी को बहाल नहीं किया जा सका है। JPSC आवेदक 21 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। JPSC ने आवेदकों को बड़ी राहत दी है। बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2 मई को होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 बजे सोमवार को खत्म हो रही थी। अब अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, वहीं 22 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। CM हेमंत का ऐलान, बेरोजगारों को 5,000, 75% नौकरी झारखंडी को। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान CM हेमंत सोरेन सोमवार को कई बड़ी घोषणाएं की। बता दें, सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सड़क दुर्घटना में मरने वालों मृतक के आश्रित या हकदार को 1,00,000 रुपये आपदा राहत कोष से दिए जाएंगे। यही नहीं, CM ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार आवेदकों को साल में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, वहीं विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50% अधिक राशि यानी अब सालाना 7,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र में स्थानियों को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा के सामने गरजे पारा शिक्षक। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक स्थायीकरण, वेतनमान तथा अन्य मांगों को लेकर सोमवार को विधानसभा के समक्ष खूब गरजे। इसी के साथ इनका विधानसभा घेराव कार्यक्रम शुरू हो गया है। बता दें, पहले दिन राज्य के 5 जिलों गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा तथा पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि घेराव कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। यही नहीं, एक ओर जहां एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अभ्यर्थी भी विधानसभा के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के प्रत्येक प्रमंडलों में खुलेंगे OBC अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग आवासीय स्कूल। राज्य के 5 प्रमंडलों में पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। बता दें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को इसकी घोषणा सदन में की है। वे इस विभाग के अलावा परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। बता दें, राज्य में अभी तक कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जाति के लिए 4 आवासीय विद्यालय संचालित है, जबकि अल्पसंख्यकों के लिए पहली बार आवासीय विद्यालय खुलेंगे। 1 अप्रैल से 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मार्च को कैबिनेट के फैसले के आधार पर विधानसभा में सोमवार को 3 महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं की। बता दें, उन्होंने राज्य के निजी क्षेत्र के कारखानों में 75% स्थानीय को आरक्षण का ऐलान किया। साथ ही सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में आश्रितों या हकदार को 1,00,000 रुपये अनुग्रह अनुदान और राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में 1 बार 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने की जानकारी दी। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में 12 मार्च को 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। रसोईया को प्रति माह 2,000 रुपये मानदेय। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया सह सहायिकाओं को अब मानदेय के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। बता दें, उनके मानदेय के लिए राज्य की ओर से दी जाने वाली राशि में प्रति माह 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
यानी अब 1,000 रुपये मानदेय करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी। बीआरपी सीआरपी आज विधानसभा का घेराव करेंगे। राज्य के वित्त रहित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी और प्रखंड साधन सेवी व संकुल साधन सेवी मंगलवार को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। बता दें वित्त रहित संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के 10,000 वित्त रहित इंटर कॉलेज उच्च विद्यालय संस्कृत व मदरसा विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। इनकी मांग मुख्य रूप से वित्त रहित शिक्षक नीति समाप्त करने, संस्थानों का घाटा अनुदान देने, बिहार से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों का 2020-21 में पूरी तरह अनुदान देने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने, संस्कृत मदरसा को दोगुना अनुदान देने के साथ मुख्यमंत्री द्वारा उनकी समस्याओं के निदान के लिए की गई घोषणा के अनुसार प्रशासनिक सुधार आयोग तत्काल भेजने की मांग की है। झारखंड में नए उद्योगों की स्थापना करना आसान, पूजा सिंघल। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई बड़े फैसले लेने वाली है। इसके तहत उद्योगों की स्थापना से जुड़ी 90 कानूनी प्रक्रियाएं समाप्त होगी। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने इसकी घोषणा सोमवार को रांची के बीएनआर चाणक्य में झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्टेटक होल्डर्स मीट कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े फैसले 31 मार्च तक लिए जाएंगे। पानी टैंकर मंगवाने के लिए 06-51-22-09-89 पर कॉल करें। जल संकट से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें पानी की समस्या पर निगम के कंट्रोल रूम नंबर 06-51-22-09-89 पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है। निगम का दावा है कि फोन करने के 24 घंटा के अंदर निगम पानी की समस्या दूर करेगा। इसके अलावा कंट्रोल रूम नंबर के नंबर पर लोग फोन कर अपने गली मोहल्ले में पानी का टैंकर भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद।